सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आपको इतने मेरे वीडियो देखने के बाद अभी भी जरा सा भी संदेह हो रहा है कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़ने पे हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। साक्षात चमत्कार बता रहा हूँ, मेरे एक प्रेमी के साथ हुई ये घटना है, साक्षात चमत्कार हनुमान जी महाराज का। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं कि महाराज क्या वास्तव में हनुमान चालीसा काम करता है, क्या रियल में भक्ति काम करती है, हमने काफ़ी समय से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं पर हमारे साथ चमत्कार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक आंखों देखी चमत्कार लेके आ रहा हूँ। एक ऐसे भक्त की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, हनुमान भक्त की कहानी, जो अभी कुछ ही समय पहले जब से मैंने वीडियो डालना शुरू किया था उसके बाद उन्होंने मेरा वीडियो देखा और वो मेरे हनुमान चालीसा के पाठ करने लगे। मेरी वीडियो को देख के वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे इसमें सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन करें ताकि उनके पास मेरा नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है अभी भी कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज के दो से तीन महीने पहले जब मैंने हनुमान चालीसा का पहला अपना वीडियो डाला था और जो वीडियो वायरल हो गया था और काफ़ी लोगों ने वो वीडियो देखा। तो उन्हीं में से एक मेरे जो प्रेमी है गुड्डू भैया, वो गुड्डू भैया ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मेरे इसको कहा कि गिरीश शर्मा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, गिरीश शर्मा बोल रहा हूँ। बोले एक बार बताइए गुरुजी कि आप कहते हैं हनुमान चालीसा का व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ करने से सब कुछ होता है, हनुमान जी की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, बट मैं तो काफ़ी समय से हनुमान चालीसा कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप मेरी वीडियो जाके अच्छी तरह देखिए और आप मेरी वीडियो में ये देखिए कि जो मैंने चीज़ बताई है कि हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा विधि विधान और नियम से किया जाता है और ये पाठ एक सच्चा पाठ है, क्योंकि ये पाठ एक भक्त की रचना है। उन भक्त का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है जिन्होंने साक्षात हनुमान जी महाराज का दर्शन किया है। दोस्तों, गुड्डू भैया ने मुझे कहा कि गुरुजी मैं हनुमान चालीसा का रोज 7 पाठ आज से शुरू करूँगा। तो मैंने उनको कहा कि देखो, आप जो भी पाठ करो ना, ये चीज़ ध्यान रखें कि वो पाठ आपको एक ही समय पर करना है, कंटिन्यू करना है और पूरे 45 दिन तक करना है हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने 7 पाठ का संकल्प लेके शुरू किया। जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और मेरे पढ़ाई में भी, मेरा एक्चुअली वो अच्छी हाई डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई में भी बोला मेरे को उस हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा आप ये कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब काम हो जाएगा और आपकी जो फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपकी फैमिली की, वो भी दूर हो जाएगी अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी से आराधना करेंगे। तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा का पाठ करते जा रहे हैं, और जैसे कुछ लोग होते हैं ना रेगुलर व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं, तो गुड्डू भैया भी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रेगुलर मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े रहे हैं, काफ़ी समय से व्हाट्सएप पे जुड़े रहे हैं और अभी भी उनके मैसेज आते हैं कंटिन्यू। तो उन्होंने मेरे को रेगुलर जय श्री राम, राम राम कुछ ना कुछ वो मेरे को भेजते रहते थे, मैं भी उनको उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन व्हाट्सएप पर उनको करता रहता था। तो दोस्तों, ऐसे करके धीरे धीरे एक दिन उनका फीडबैक आया कि महाराज जी आपके बताए अनुसार हनुमान चालीसा पाठ कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मिली कि मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हनुमान चालीसा का पाठ करने से, और मैं जो आज पढ़ाई करता हूँ तो पढ़ाई में मुझे बहुत बहुत एक बहुत मन लगता है पढ़ाई में मेरा, और मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है कि मैं बहुत अच्छा प्राप्त करूँगा लाइफ में, कुछ अचीवमेंट प्राप्त करूँगा, ऐसा उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया। तो मुझे भी अच्छा लगा और डेफिनेटली होना तो था। देखिए, हनुमान जी महाराज जब कृपा करते हैं, जब वो कृपा करते हैं, अपने कृपा का द्वार खोलते हैं, तो फिर तो देखिए बस ये आपका बेड़ा पार हो जाता है आपका, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, ऐसे हनुमान गुड्डू भैया धीरे धीरे हनुमान जी महाराज के भक्त बन गए और हनुमान चालीसा डेली करने लगे। करते 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 एक दिन गुड्डू भैया के साथ क्या होता है कि गुड्डू भैया अपनी बाइक लेके वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। तब हनुमान, ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, पिछले महीने की घटना है मात्र।
तो हनुमान जी के मंदिर जब जाते हैं तो हनुमान जाके हनुमान चालीसा करते हैं, जैसे अपने उनका रूटीन था तो वहाँ जाके हनुमान चालीसा करते थे। जब वो पीछे से हनुमान चालीसा करके बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी बाइक वहाँ से गायब थी। जब उन्होंने ये देखा कि उनकी बाइक गायब थी तो एक बार उनको काफ़ी झटका लगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले ही चल रही थी घर में, अब एक ही बाइक थी, सहारा थी उनका, कॉलेज आने जाने का सहारा थी, उनकी जो भी वो एजुकेशन कर ले रहे थे उसका सहारा थी, और घर का काम भी करते थे और घर के बड़े थे वो, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी। तो उनको अंदर बहुत ज़्यादा झटका लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहा हूँ, हनुमान जी महाराज की भक्ति कर रहा हूँ और मेरे साथ क्यों हो रहा है, उनको अंदर सब बहुत फील हुआ। तो बहुत ज़्यादा घबरा गए वो, घबरा के जैसे नॉर्मल सभी करते हैं कि बाइक जब चोरी हो जाती है गाड़ी तो सबसे पहले जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं। तो गुड्डू भैया भी पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं, और पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं तो वो उन्होंने मुझे खुद ये फीडबैक दिया कि गुरुजी मैं एक चीज़ नोट करी कि जब मैं थाने गया ना तो थानों में बहुत अच्छा कोऑपरेट किया उन लोगों ने मेरे को, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि इतना अच्छा कोऑपरेशन मिलता है, पर उनके बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला और सभी ने उनको पूरा वो दिया कि हम आपकी गाड़ी को ढूंढ के निकालेंगे। वैसे एक बार खोने के बाद देखो आपको पता है चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल होता है, फिर हम आपको ढूंढ के निकालेंगे, चोर को पकड़ेंगे, ऐसे करके बहुत उनको अच्छी सभी जो उनको सांत्वना दी सभी ने और उनको रिस्पॉन्स दिया। इस रिस्पॉन्स के बाद गुड्डू भैया को लगा कि कुछ उम्मीद जगी, बट देखिए इस बात को 24 घंटे बीत गए और 48 घंटे बीत गए, अब गुड्डू भैया थोड़े थोड़े परेशान हो गए थे, थोड़े थोड़े मतलब कहते हैं ना डिप्रेशन में आने लगे थे, थोड़े थोड़े डिप्रेस हो गए थे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो भक्ति भी कर रहा हूँ, भगवान का सब कुछ कर रहा हूँ। बट गुड्डू भैया ने एक चीज़ नहीं छोड़ी, आपको पता है वो परेशान हो गए थे, हर तरफ से परेशान हो गए थे वो, पर उन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, उन्होंने हनुमान चालीसा नहीं छोड़ी, वो हनुमान चालीसा करते रहे रेगुलर। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे ये बिल्कुल ताज़ा घटना है, 3 दिन पहले ही गुड्डू भैया का मेरे पास फ़ोन आया है और उन्होंने मुझे एक घटना बताई है। गुड्डू भैया ने मुझे बताई कि गुरुजी मैं सो रहा था घर पे, ये दोपहर की बात है, मैं सो रहा था और सोते सोते मैं अपनी सारी उम्मीद खो चुका था कि मुझे मेरी गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं सो रहा था और मेरे पास एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन कहाँ से आया कि जहाँ वो रहते थे उससे 30 किलोमीटर दूर किसी थाने से उनके पास फ़ोन आया कि ये हमको एक बाइक मिली है, ये आपकी बाइक है, हमने सर्च करने में पता लगा कि आपकी बाइक है, तो आप अपनी बाइक को यहाँ क्यों छोड़ के गए हैं। देखिए उनको उस थाने से फ़ोन आया जिस थाने के बाद उन्होंने मैसेज नहीं किया था, जिस थाने पे उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी थी। देखिए बालाजी महाराज जब चमत्कार करते हैं तो कैसे करते हैं, और जो फ़ोन करने वाला व्यक्ति है वो बताता है कि मैं यहाँ पे इस जो भी थाना था इस थाने में काम करता हूँ और मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से कि अब ये आपकी बाइक आपकी 2 दिन से वहाँ खड़ी है और आप मुझे प्रूफ दीजिए कि आपकी बाइक है, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके आइए और अपनी बाइक लेके जाइए यहाँ से। जब ये बात गुड्डू भैया ने सुनी तो उनके अंदर जो खुशी की लहर आई ना गुड्डू भैया की, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। गुड्डू भैया ने जय श्री राम जय बालाजी महाराज और अपने जो भी इष्ट देवता है उनकी उन्होंने जय करी और वो तुरंत अपनी बस पकड़ के और उस जगह पे जहाँ पे वो बताया गया था वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके देखे उन्होंने कि उस एरिए के लोग पहले उनको जब वहाँ पहुँचे तो उस एरिए के लोग उनको गाड़ी ले जाने नहीं दे रहे थे, तो जो पुलिस मैन थे पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने उनको फ़ोन करवाया, उन्होंने को पुलिस ऑफिसर ने फ़ोन करके वहाँ के लोगों को बताया कि भाई ये ही असली मालिक है इस गाड़ी का और इस आप इसको ये गाड़ी सुपुर्द कर दें। तो हनुमान जी महाराज किस रूप में आपको मदद करेंगे आपको खुद नहीं पता, अगर आप ये सोच के लग जाएंगे कि हनुमान जी महाराज जी मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ गलत दुर्घटना हो गई या मेरे प्रभु ने मेरे साथ क्या किया, बाबा ने मेरे साथ क्या किया, तो ऐसा नहीं। देखिए उनकी लीलाएँ हैं, ये उनकी लीलाएं हैं, आपके लाइफ में लिखा था, आपकी किस्मत में लिखा था खोना, आपकी किस्मत में लिखा था कुछ भी गलत होना, पर वो गलत को सही कर दिया। बीमारी होना लिखा थी पर प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि बीमारी होने के बाद आपकी वो बीमारी के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से मिलवा दिया और आपकी दवा देके आपका इलाज करा दिया। वैसे ही प्रभु ने यहाँ किया गुड्डू भैया के साथ क्या किया प्रभु ने कि घर बैठे भाई साहब 1 रुपया खर्च नहीं हुआ गुड्डू भैया का। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी गाड़ी नहीं ले पाते, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं उनको गाड़ी नहीं मिलती है, जिनकी जानकारी होती है पुलिस में उनको भी नहीं मिलती है। मित्रों एक बार खोई हुई चीज़ मिलना बड़ी मुश्किल होती है, पर गुड्डू भैया को अपनी गाड़ी प्रभु की कृपा से सही सलामत मिली है। तो सभी मिलकर बोलिए जय श्री राम बालाजी महाराज की जय, जय श्री श्याम जय श्री कृष्ण जय श्री राम। देखिए प्रभु की कृपा लीला अपरंपार है और ऐसे ही रोचक चमत्कारों को जानने के लिए
और रोचक तथ्यों को जानने के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। दोस्तों, मेरा नया वीडियो जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है, मैं बजरंग बाण किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने बहुत ही 6-7 मिनट का वीडियो बनाया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। और आपका इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम।